मैं समझता था कि बादशाह का जो दायबीर बादशाह है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कितना कॉम्प्लेक्स, कितना मुश्किल और कितना पाकिस्तान के लिए फायदा देने वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और फिर अंदर टनल भी दिखाई, और मुझे इतना भी नहीं अंदाजा था कि टनल इतनी बड़ी जिसमें से पानी गुजरेगा वो उसका साइज कितना है। तो इसका भी आपका शुक्रिया। मैं जितने अपने वर्कर्स, पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ हैं, और जो कि हमारे चाइनीज़ और जो बाहर से आए हुए हैं और तुर्की से भी हैं, कंसल्टेंट्स भी जो हैं, मैं सबको आज पहले तो खुशामदीद कहता हूँ, और उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुश्किल काम है जो मैंने देखा है अंदर टनल के अंदर काम करना, काफ़ी हौसला चाहिए, और आप सबको इसलिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था, और हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती तो एक आवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है, और अगर सस्ती बिजली हो जो हमारी शुरू में तरबेला और मंगला डैम की वजह से मिली थी पाकिस्तान को, तो हमारी इंडस्ट्री जो आज से 50 साल बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी उसकी वजह ये थी कि यहाँ बिजली बड़ी सस्ती थी। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। और इंशाल्लाह जो हमारा मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो हमारी मुल्क में दौलत का इजाफा होगा, वो होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगी जब बिजली सस्ती होगी। तो मैं फिर आप सबको आज इस मुश्किल काम करने की खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जिन कंडीशंस में आप काम कर रहे हैं, और हमारी कौम की दुआएं आपके साथ। शुक्रिया।